ये नहीं बचने वाले, चाहे कोई भगवान भी इनकी मदद करने के प्रयास करे, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए, सब लोग त्रस्त हैं, इन्हें हटाओ। और अब तो मैं सरकारी कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि 3 बजे के बाद पूरे लंगर लगोट कस के बाहर आ जाओ सारे। ये रैली जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो यहाँ पे सरकार में हुई है उसका ये आधार है और भाजपा के अंत की ये शुरुआत है। आज से जो है जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा 3 बजे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि प्रदेश में होने क्या जा रहा है। प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं, उनका माइंड बिल्कुल सेट है और जो भी हो जाए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। कुछ अरसा में जयराम सरकार को बाहर जाना है, उनको अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर लेना चाहिए। जी, आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मैक्सिमम कांग्रेसी इस वक्त जितने भी हमने बातचीत करी है उनका कहना है कि सरकार जो है वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर नहीं लगा रही है, डरी हुई है, सरकारी पैसों का खर्च जो है वो किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे एकदम से अब्रप्टली सूचना? देखिए, हमने कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से लगाने की मांग की है, चुनाव भारतीय चुनाव आयोग से हम मांग कर रहे हैं, एज ए पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे कोड लगाएं। और इलेक्शन कमीशन ने आज 3 बजे जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और लागू हो जानी चाहिए। क्या आज की रैली हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश को जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है या आम जनता है उनको पंप अप करेगी, किस तरह से ये रैली यहाँ पर आगे आने वाले चुनावों में जो है वो एक तरह से चेंजेस लाने वाली है या माहौल को गर्म करने वाली? नहीं देखिए, रैली का प्रभाव तो होगा ही, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता ने माइंड बना लिया हुआ है, मन बन चुका है कि इनको हटाना है। ये 4 भाई इलेक्शन हारे थे, जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हारे, जब ये 3 विधानसभा हारे, उस समय तो ये पूरे परवान पे थे, तब हार गए। आज ऐसी क्या परिस्थिति है जो आप उम्मीद करते हैं कि ये बच जाएंगे? ये नहीं बचने वाले, चाहे कोई भगवान भी इनकी मदद करने के प्रयास करे, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए, सब लोग त्रस्त हैं। और जनता की आवाज जो है वो ये कह रही है, हिमाचल की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ। और अब तो मैं सरकारी कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि 3 बजे के बाद पूरे लंगर लगोट कस के बाहर आ जाओ सारे। अब इनसे डरने की कोई बात नहीं है, इन्होंने आपको जो है ना ओपीएस दी, ना आपके एरियर्स दिए, ना आपको सीनियोरिटी दी अपॉइंटमेंट की डेट से, ना आपको इन्होंने कोई पेंशनरी बेनिफिट्स दिए, ना इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ दिया, ना इन्होंने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में फैसला लिया, ना आउटसोर्स के बारे में फैसला लिया। हर तरह का जहां भी कर्मचारी बैठा है इस महायज्ञ में अपना योगदान डाल दे, अगली सरकार आपकी होगी। क्या जो आपने बातें कही है कर्मचारियों को लेकर के, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या ये सारे पॉइंट्स जो आपने कहे हैं वो इंप्लीमेंट होंगे? बिल्कुल, बहुत नजदीक है। जिस दिन 1500 रुपए महिलाओं को मिलने लगेंगे, जिस दिन 300 यूनिट बिजली का बिल नहीं आएगा, जिस दिन जो है कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, जिस दिन अन्य जो हिमाचल के जनता के दिलों की बात है, अगली सरकार तो हिमाचल के लोगों के दिलों की सरकार होगी। ये सरकार हिमाचल के लोगों को दर्द दे रही है। आज आप देखें, प्रधानमंत्री की रैली में 2000 बसें लगा दी, 2000 बसें, एक बस में दो आदमी 3 आदमी मोटरसाइकिल लगा लेते इससे। आपने जो है 2000 बसों में 6000 आदमी ढोया, पता लगेगा ये थोड़े समय के बाद। इसका जो 75 रैलियों में HRTC की बसेज लगी और बाकी जगह जो HRTC की बसेज निकली, इसका तो स्पेशल ऑडिट किया जाएगा, जो ऑफिसर जिम्मेदार होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क।
आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।